कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो भारी राय, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो, देखो सुनो मत बोलो, whatever you are, be 100% Karnataka, kisi ko aao mat kaho, kisi ko jao mat kaho, na kuch pana, na kuch khona, oh as you live at zero complaint level, मौज में रहो बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हम अवधूत गीता का चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सारी गीताएं हैं, जो प्रचलित गीताएं हैं वो है श्रीमद् भगवद् गीता, कभी कभी अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है अनेक हंस गीता, या तो फिर उद्धव गीता, एक जगह आती है राम गीता। गीता माने गाया हुआ, जैसे भगवत गीता माने भगवता गीता, भगवान ने गाया हुआ जो दिव्य संगीत है उसको कहते हैं भगवत गीता। तो अवधूत गीता, अवधूतेन गीता, जो अवधूत ने गाया है वो अवधूत गीता है। ये अवधूत का क्या है अर्थ? अक्षरत्वात् वर्ण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्त्वमस्यादि लक्षार्थात् अवधूत इति रियते। अवधूतोपनिषद है, उसमें अवधूत शब्द की ये परिभाषा दी है। अक्षरत्वात् जो कभी अपने स्वरूप से नीचे गिरता नहीं, अक्षरत्वात्। फिर वर्ण्यत्वात्, हमको जगत में किसी का वर्ण करना है तो ये अपने स्वरूप का वर्ण करना है, बाकी किसी का नहीं, बाकी सब नष्ट होने वाला है। वरेण्यम मीन्स वर्णीयम, लाइक भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री मंत्र में आ जाता है ना, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। सी भर्गो देवस्य धीमहि वरेण्यम, अहम धीमहि, मैं इनका वरण करता हूँ। तो अक्षरत्वात् जो कभी अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता, वरेण्यत्वात् यही वर्णीय है हमारे सबके जीवन में, जिसको इस अवधूत ने प्राप्त कर लिया है। धूत संसार बंधनात्, जिसके जीवन से संसार के बंधन खत्म हो गए। अब ध्यान से सुनना, ये बड़ी महत्व की बात है। एक होती है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था आपको स्वीकार करनी है या नहीं करनी है ये आपका चॉइस है, ये कंपलसरी नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था में आता है, वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। वर्णाश्रम व्यवस्था में जो रहते हैं उनके लिए धर्मशास्त्र के नियम लागू होते हैं। माने जो गाड़ी चलाएगा, अब गाड़ी चलाने की नहीं चलानी ये आपका चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। तो यदि आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप पर ट्रैफिक के नियम लागू हो गए,
और आप गाड़ी नहीं चलाना चाहते, गाड़ी में बैठना चाहते हो, तो फिर आप पर ट्रैफिक के नियम लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से यदि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये बंधन स्वीकार कर लिए हैं, तो हम पर धर्मशास्त्र लागू होगा। फिर ब्राह्मण का क्या करता है, कर्तव्य है से अहिंसा तेज इत्यादि भगवद गीता में आता है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या है, सबकी रक्षा करना इत्यादि, वैश्य का क्या है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, ये वैश्य का है, शूद्र का सबकी सेवा करना। इसी सिद्धांतों को लेकर के हम कहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सब शूद्र है। तो ये जो चार है वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह वर्ण इनमें जिसने अपने आप को रख लिया है उसके लिए धर्म के नियम लागू है। अब दूसरे कोई है जो गाड़ी चलाना नहीं चाहते, हम नहीं चलाएंगे, माने जिन्होंने ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है और इसीलिए उन पर कोई संसार के बंधन नहीं है, इसीलिए धूत संसार बंधनात्, कोई उनके ऊपर में संसार के बंधन नहीं है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सुबह उठ करके नहा करके पूजा पोथी करनी चाहिए, कोई नियम नहीं उनके लिए, दूत संसार बंधनात्। तो जो अवधूत होते हैं ये वर्णाश्रम व्यवस्था के परे होते हैं। तो नाथ संप्रदाय में जो है ये सब अवधूत होते हैं, जितने भी सिद्ध महात्मा है ये अवधूत संप्रदाय के, इसीलिए उनके बाद आदमी आकर में नाथ लगाया जाता है। जैसे आप ऐसे महात्माओं के मंदिरों में चले जाओ तो वहाँ कहते समर्थ सद्गुरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गजानन महाराज की जय, तो ये जो है ये नाथ संप्रदाय है। शिरडी साईनाथ महाराज की जय, ज्ञानदेव महाराज के जो गुरु थे वो थे निवृत्तिनाथ, ये भी नाथ संप्रदाय के, इसीलिए एकनाथ। तो जो चार वर्णाश्रमों के परे है उनको अवधूत कहते हैं, इसीलिए उन पर कोई बंधन नहीं। तो अवधूत धूत संसार बंधनात्, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैसे उल्टा सीधा जी रहे, बिल्कुल नहीं। फिर तत्वमस्याद्य लक्षार्थात्, तत्वमसी का लक्षार्थ जो है कि तुम साक्षात परमात्मा हो, इस अनुभूति में जो जीते हैं उनको कहते हैं अवधूत। नहीं तो हम कहेंगे ठीक है जी हम वर्णाश्रम नहीं मानते और उल्टी सीधी जीवन जिएंगे, फिर अवधूत नहीं है वो आलसी है, बेकार है वो। इसीलिए त जो है अवधूत का वो तत्वमस्यादि लक्षार्थात, जिसने तत्वमसी महावाक्य का लक्षार्थ अपने जीवन में अनुभव किया है, माने जिसने अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभूति की निष्ठा है, उसको कहते हैं अवधूत। तो ऐसे अवधूत जो है उन्होंने यह गीता गाई है, और सभी अवधूतों के अवधूत जो है वो है हमारे भगवान दत्तात्रेय महाराज। इसीलिए यह गीता जो है ये भगवान दत्तात्रेय को कही जाती है कि इन्होंने इसको बताया है, अवधूत गीता। और ये गाया है देखो, इस प्रकार से इस गीता का अध्ययन करके उसको अपने जीवन में उतार करके
हम भी अपने स्वरूप में निष्ठावान हो सकते हैं। यह गीता हमारे जीवन में बड़ी महत्व का स्थान रखती है। हमको ये गीता बहुत पसंद है। आप हर एक बार वही कहते हो, भगवद गीता भी पसंद है, अष्टावक्र गीता भी पसंद है, अवधूत गीता भी पसंद है। हाँ जी, अब प्रथम अध्याय पहला अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसा मद्वैत वासना महद्भय परित्राणात् विप्राणाम् उपजायते। ईश्वर अनुग्रहात् एव, ईश्वर के अनुग्रह से ही, एव से ही, ईश्वर के अनुग्रह से ही पुंसाम व्यक्ति के जीवन में अद्वैत वासना, अद्वैत के तत्व का चिंतन करने की प्रेरणा होती है। ईश्वर के अनुग्रह से इसका तात्पर्य क्या हो गया? जो इस ज्ञान के तत्व चिंतन के अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं वो पहले भक्त होते हैं और फिर अद्वैत में आते हैं। देखो, कर्म के द्वारा हम अंतकरण को शुद्ध करते हैं, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम्। फिर उपासना के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। तो ये दो बातें जब हो गई, अंतकरण शुद्ध हो गया और एकाग्र हो गया, तो ऐसे अंतकरण में तत्व जिज्ञासा अपने आप प्रकट होगी। देखो, कोई दर्पण है, उसके ऊपर के मिट्टी निकाल दिए, साफ कर दिया है, और वह हिल नहीं रहा, ठीक किया, दीवार में ठोक दिया है, तो ऐसे दर्पण के सामने खड़े रहो तो आपको अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा। इसी प्रकार से जिस अंतकरण में काम के वासनाओं का, इच्छा के पूर्तियों का आडंबर नहीं होगा, इच्छाएं नहीं होगी, तो वो कर्म का चक्कर ही नहीं। इसीलिए कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम्। तो अंतकरण की शुद्धि माने अब इच्छाओं से हम बहुत दूर चले गए, अब कोई इच्छा नहीं दुनिया की। फिर एकाग्रता करने के लिए अब हमारा जो मन है हमारे लिए उपलब्ध है, जब हम चाहे जिसलिए चाहे उसके लिए ये मन उपलब्ध है, एकाग्रता। ऐसा जो शुद्ध एकाग्र मन है उसमें अपने आप तत्व जिज्ञासा प्रकट हो ही जाती है। इसको कहते हैं ईश्वरानुग्रहातेव। ईश्वर का अनुग्रह माने हमने जब अपने जीव भाव की कमियों को हटा दिया और तत्व के प्रति समर्पित होने का निश्चय कर लिया, तो इसमें मैं नहीं रहता, क्योंकि अंतकरण शुद्ध हो गया है। शुद्ध अंतकरण में इच्छा वासना न होने के कारण वहाँ मैं भी नहीं होता। ऐसे शुद्ध अंतकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, इसी को कहते हैं ईश्वरानुग्रहातेव पुंसा मद्वैत वासना। भगवान के अनुग्रह से ही हम इस मार्ग पर चलते हैं। देखो महाराज, यह तो आदमी को उसका अभिमान हो जाता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वेदांत अद्वैत हमको मैं से मुक्त करता है, कर्म उपासना इत्यादि मैं को मुक्त करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे उपासना में आता है कि सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सलोक मुक्ति, डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि वहाँ अनेकता है, वहाँ द्वैत है, जीव ईश्वर का भेद है। अद्वैत में कुछ है ही नहीं, मैं ही नहीं, तो कौन मुक्त होगा? इसीलिए हमको अध्यात्म का तात्पर्य यही समझना है, हमको मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं करना। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। और यदि हमारी यह अद्वैत वासना ईश्वर अनुग्रह से पक्की हो गई तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहली बात, हम समाज सेवा के कार्यक्रमों में नहीं लगेंगे, किसी भी एनजीओ में नहीं जाएंगे। देखो,
एनजीओ नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशंस, नहीं तो व्यक्ति आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, फिर आश्रम बनाएंगे, स्कूल चलाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे, सी वर्किंग लेडीज हॉस्टल, स्कूल गोइंग गर्ल्स हॉस्टल, ये चक्कर में मत पड़ो। यदि अध्यात्म में रहना है ना, इन चीज़ों से अपने आप को हटा दो। देखो ईश्वरानुग्रहातेव पुंसा मद्वैत वासना, फिर इससे क्या होगा, महत भय परित्राणात्, इसे महत भय भयंकर जो भय है उससे हम बच जाते हैं, उनसे भय है। देखो छह प्रकार के भय होते हैं, जैसे छह प्रकार के दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये छह रिपु कहते हैं, रिपु माने दुश्मन, रिपु माने शत्रु, षड रिपु इसको कहते हैं। वैसे ही भय भी छह प्रकार के हैं। स्थूल देह को लेकर के भय होता है बुढ़ापा और मृत्यु का, जब किसी वयस्क व्यक्ति को देखते हैं तो ऐसे लगता है यार मैं बूढ़ा नहीं होना चाहिए, भगवान मुझे जल्दी उठा लो, बुढ़ापा नहीं काम का। और किसी बूढ़े व्यक्ति को देखो कि उसको कोई रोग है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हे भगवान ऐसा ऐसा जीवन मुझे मत देना, बुढ़ापे का भय। किसी बूढ़े व्यक्ति को कोई देखने वाला ही नहीं है, अकेला पड़ा है, फ्रस्ट्रेट है, हे भगवान मुझे ऐसा बुढ़ापा मत देना, एक तो भय होता है बुढ़ापे का, दूसरा होता है मृत्यु का। तो स्थूल देह को लेकर के दो भय होते हैं, एक है जरा मृत्यु, दूसरा प्राण को लेकर के दो भय होते हैं, अशना विपासा, भूख और प्यास, टाइम पर खाना मिलेगा कि नहीं, हम वहाँ आने को तैयार हैं उस कैंप में लेकिन वहाँ टाइम पर खाना मिलता है कि नहीं, हमको डायबिटीज़ है, हमको दिन में 10 बार खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, हमारे लिए कोई विशेष व्यवस्था हो सकती है क्या, खाने की चक्कर, उसका भय। पिपासा, वहाँ पानी अच्छा मिलेगा कि नहीं, ये वहाँ गंदा पानी होगा कि हमको बोतलें खरीद के लानी पड़ेगी, डर। और मन को लेकर के दो भय होते हैं, शोक और मोह। तो ये जो छह भय है, महत भय परित्राणार, यह जो अद्वैत वासना है ये हमको ये छह भयों से मुक्त करती है। कितनी सरल बात है, महत भय परित्राणार, परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। विप्र कौन है, जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेद् विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से हम सभी के सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का तात्पर्य क्या है, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं आपके ब्रह्मसूत्र के भाषा में, शूद्र माने जो हमेशा रोता रहता है, कंप्लेन करते रहता है। ये जितने गवर्नमेंट्स हैं कंप्लेन कर, काम कुछ नहीं करें कंप्लेन करेंगे, ये काम ज़्यादा है, हमको तनख्वाह नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, अरे यार कितना खाओगे। तो यह जो विप्र है ये कौन है, पहले जन्म से सभी शूद्र होते हैं, रोते ही रहेंगे, भूख लगी तो रो, मच्छर ने काटा तो रो, पेट में दर्द आए तो रोते रहो, दूसरा कुछ काम आता ही नहीं उनको, तो वो शूद्र है। जन्मना, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, फिर उन पर संस्कार होते हैं, कैसा बैठना कैसा चलना, गायत्री का उपदेश हुआ, यज्ञोपवीत हो गया और उनको शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए सिखाया, रोज गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, फिर गायत्री का जप करना चाहिए, संध्या वंदन करनी चाहिए,
संस्कार होते हैं, इस संस्कारात द्विज उच्चते। द्विज माने दूसरा जन्म, द्वि माने दूसरा, ज माने जन्म। देखो संस्कारात द्विज उच्चते। फिर वेदाभ्यासी भवेत विप्रह। फिर हमने जा करके फिर शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवद गीता चैंटिंग कंपटीशन में भाग लिया, फर्स्ट नंबर आ गया, बड़े खुश हो गए। वेदाभ्यासी भवेद विप्रहा, तो यहाँ कहते हैं विप्राणाम उपजायते, महद भय परित्राणान विप्राणाम उपजायते। तो यह जो अद्वैत वासना जो है, जिन्होंने ये सब किया है, उनके लिए यह हो सकता है। अने ये मत समझ लेना कि हम अपने निठल्ले बैठ करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। देखो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि यहाँ रिजर्वेशन होगा। देखो संतो, हम जब लायक होते हैं तभी हमको इसका अधिकार मिलता है। अनधिकार चेष्टा करने से सत्यानाश होता है, बहुत महत्व की बात है। इसलिए ईश्वरानुग्रहात एव का तात्पर्य, पहले हम मेहनत करें, अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए, अपनी सब जिम्मेदारियों को पूरा कर ले। देखो उसके बाद जगत जीवन में रहते समय कोई नियम हो उपासना के, ये करते करते धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। उसमें फिर तत्व की जिज्ञासा प्रकट होगी कि जगत क्या है, मैं कौन हूँ, ये ईश्वर कौन है। ईश्वर की आराधना अलग होती है, आध्यात्मिक साधना अलग होती है। क्या है भैया ये जब चिंतन शुरू हो गया तब समझ लेना अब ईश्वर का अनुग्रह हम पर हो रहा है। तब जा करके हमको तत्व चिंतन में सहज प्रवृत्ति हो जाती है। ईश्वरानुग्रहाते व पुंसामद्वैत वासना। एक यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने केस किया यूनिवर्सिटी पर और बताया यूनिवर्सिटी एकदम भेदभाव करती है। तो पूछा गया क्या हो गया, बोले देखो मैं और मेरा मित्र दोनों फेल हो गए, लेकिन मेरे मित्र को यूनिवर्सिटी ने ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया और मुझे फेल कर दिया। बोला अच्छा, तुम्हारी तैयारी तो बहुत अच्छी है, अब ये बताओ तुम्हारे यूनिवर्सिटी के क्या क्या नियम हैं, कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए। उसने कहा कि देखो हमारे यहाँ पास होने के लिए 30% मार्क चाहिए, 100 में से 30 मिल गए कि पास हो जाओगे। हाँ बहुत बढ़िया, तुम्हारे मित्र को कितने मिले थे? उसको 27 मिले थे। तो फिर यूनिवर्सिटी ने 3 मार्क दे दिए और उसको पास कर दिया। बोले बहुत बढ़िया, तुम्हारी तैयारी तो बड़ी अच्छी है। ऐसे हम अपनी केस बताओ, तुमको 100 में से कितने मार्क मिले? बोले 3 मार्क मिले। तो यूनिवर्सिटी की जेब से क्या जाता है, चाहे वो 3 मार्क दे दे ग्रेस और पास कर दे, चाहे 27 मार्क दे के पास कर दे। देखो महाराज, भगवान का अनुग्रह तब होता है जब हमारा अनुग्रह अपने पर होता है। मेहनत करो ना, कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि, उपासना के द्वारा अंतकरण की एकाग्रता, फिर जगत के लिए जो आकर्षण है इच्छा के माध्यम से वो कम होगा, और ऐसा जो इच्छा का प्रभाव कम होगा तब वहाँ अद्वैत की जागृति हो जाती है, वही ईश्वर का अनुग्रह है। देखो महाराज, भगवान के अनुग्रह से सबको खाना पीना मिल जाता है। आध्यात्मिक साधना करने के लिए पहले अपनी मेहनत, फिर भगवान का अनुग्रह, नहीं तो अपने मेहनत का अभिमान हो जाता है। ईश्वरानुग्रहाते व पुंसाम अद्वैत वासना, महद भय परित्राणान विप्राणान उपजायते। ऐसा ही विचार भगवान शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। देखो दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम्।
मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय अद्वैत वासना यहाँ जो कहा है वह मुमुक्षुत्व कहा है, बातें कही है। इसीलिए ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद्भय परित्राणान विप्राणाम उपजायते। तो हमारी आध्यात्मिक साधना ठीक चल रही है कि नहीं कैसे पता चले, जब हम ये कर्म से उपरत होने लग जाते हैं लेकिन आलसी नहीं रहते और उपासना धीरे धीरे परिपक्व होने से निकल जाती है, फिर उपासना की कोई नियम करे ना करे उसके मन पर प्रभाव नहीं होता। एक टेक्निक हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, तो समझो आपका नियम है रोज भगवान की इतनी माला करने के बाद ही चाय पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे। सुबह उठ गए, हाथ में माला ली, इतनी माला घुमानी है। एक आध बार आप जानबूझ करके समझदारी से जानते हुए आज हम माला नहीं करेंगे और चाय पियेंगे, पियो, उस समय अपने मन की स्थिति को देखो। मन में डर होगा, ग्लानी होगी, तो अभी बहुत कच्चे हैं। फिर करते रहो उपासना या कर्म, ये भगवान के लिए नहीं करते, ये मन को शुद्ध और एकाग्र करने के लिए करते हैं। जैसे कपड़े के मिट्टी को मैल को निकालने के लिए दूसरा मैल लगाते हैं जिसको कहते हैं साबुन, इसी प्रकार से दुनियादारी के विचारों से उपरत होने के लिए भगवान का नाम स्मरण करते हैं। और फिर उपासना, यदि कपड़ों को धोने के बाद इसको आयरनिंग ना करो, इस्त्री ना करो, तो कितने गंदे दिखते हैं। तो मन को एकाग्र करने के लिए, इस्त्री करने के लिए उपासना है। इस प्रकार से सूक्ष्मता से आत्मचिंतन करने की एक प्रवृत्ति हो जाती है, यही ईश्वर का अनुग्रह। आगे कहते हैं, येनेदं पूरितं सर्वं आत्मनैवात्मनात्मनि निराकारं कथं वन्दे यविद्नं शिवमव्ययम्। येन इदं सर्वं पूरितं, जो संपूर्ण विश्व में जितना भी हमारा दृश्य जगत है, इदम सर्वम येन पूरितम, संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, जिसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, येन इदम पूरितम सर्वम आत्मन आत्मा नैव आत्मनि। देखो लेकिन कैसा है ये निराकारम, तो ये वाक्य ऐसा होगा, येन साकारम विश्वम सर्वम पूरितम स्वयं निराकारम भूत्वा। तो जो संपूर्ण साकार विश्व का आधार है लेकिन जो स्वयं निराकार है, कितनी बढ़िया बात है। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। ये विचार आते हैं ईश्वर अद्वैय संप्रदाय में, या अंग्रेजी में कहो तो कश्मीरी शैवाइज्म में, वेदांत में कहो तो दो प्रकार से आते हैं। वेदांत में कहेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और कहेंगे सर्वम खलविदम ब्रह्म। अब ये दो चीजों को समझ ले रहा है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है माने जिसके सिवा विश्व की स्थिति नहीं है, माने जो विश्व के रूप में प्रकट हो रहा है वो, लेकिन उसमें विश्व है ही नहीं। देखो कैसी मजे की बात है, भगवद गीता के 9वें अध्याय में चले जाओ, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तिष्वस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थः मम आत्मा भूतभावनः।
इसको समझ लो, माया अव्यक्त मूर्तिना, यहां निराकारम, कोई आकार नहीं, अव्यक्त का आकार नहीं होता, व्यक्त का आकार होता है। तो माया तथविदम सर्वम, मैं जो निराकार हूं इस संपूर्ण साकार विश्व का आधार हूं। इसीलिए विश्व मुझ में है, लेकिन मैं विश्व में नहीं हूं, मेरे सिवा विश्व की सत्ता नहीं है, मेरी दृष्टि से देखो विश्व है ही नहीं। इसको उदाहरण से समझना ठीक हो जाता है। देखो पानी कहता है कि मया तत्विदम सर्वम, मेरे द्वारा यह संपूर्ण क्या है, पानी का जगत, समुद्र है, लहरें है, बादल है, बर्फ है, नदियां है, नाले है, गंगा जी है, गटर है। तो पानी कहता है ये सब मुझ में है, मेरे ही द्वारा ये सब व्याप्त है। इसको कहेंगे पानी इन सब में उपलब्ध है, व्याप्त है, इसको अन्वय कहेंगे। और उसके बाद लेकिन पानी के दृष्टि से देखो तो क्या है, पानी के दृष्टि से जिसको हम लहर कहते हैं वो पानी ही है, जिसको समुद्र कहते हैं वो पानी ही है। इसीलिए लहर का जन्म होता है, लहर बढ़ती है, लहर मरती है, लेकिन पानी का जन्म नहीं होता, वो बढ़ता नहीं, वो मरता नहीं। देखो इसीलिए दूसरा उदाहरण ले लो, संपूर्ण विश्व परमात्मा से व्याप्त है, इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो परमात्मा ये जगत का उपादान कारण है। जैसे सभी आभूषणों में सुवर्ण व्याप्त है, तो सुवर्ण आभूषणों का उपादान कारण है, मटेरियल कॉज। अच्छा सुवर्ण अपने आप तो आभूषण नहीं बनेगा, फिर कोई उसके लिए चाहिए सोनार, तो सुनार जो है वो इफिशियंट कॉज है, ज्ञान प्रदान है। तो जो उपादान कारण है वो सत्ता प्रधान होता है, और जो निमित्त कारण है वो ज्ञान प्रधान होता है। ये दोनों को मिलकर के ही जगत का निर्माण हो सकता है। देखो सुवर्ण अपने आप आभूषण नहीं बनेगा, मिट्टी अपने आप मटका नहीं बनेगी। तो यह संपूर्ण जगत येन इदं पूरितं सर्वम्, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, माने जो इस जगत का उपादान कारण है, और सर्वम आत्मना एव आत्मनि, ऋषभ का उसी में है। देखो वही निमित्त कारण हो गया। तो जो इस जगत का उपादान कारण है माने सब में व्याप्त है, लेकिन वो सबसे अन्य है, वो हो गया निमित्त कारण। अब इसको ऐसा समझ लो, एक हमने मटका घट खरीदा और ले गए, तो उस मटके के साथ मिट्टी जाएगी क्योंकि मिट्टी का बना है, लेकिन उस मटके के साथ वो कुम्हार नहीं जाएगा। देखो तो जगत संपूर्ण जगत का उपादान कारण परमात्मा है, देखो, लेकिन वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, इसीलिए वो निमित्त कारण है। और निमित्त कारण होने के कारण जब मटका फूटता है तो कुम्हार को कुछ नहीं होता, मटके का आकार नष्ट हो जाता है, मिट्टी को भी कुछ नहीं होता। देखो माने जब जगत का निर्माण हुआ तो कुछ नहीं हुआ, जब जगत का नाश हो गया तो कुछ नहीं हुआ। येन इदं पूरितं सर्वम् आत्मना एव आत्मना एव आत्मनात्मनि निराकारम कथम वंदे। तो ऐसे जो निराकार परमात्मा है उनको हम कैसे वंदन करें, अभिन्नम शिवम अव्ययम। तो
इस परमात्मा से अलग हो करके परमात्मा को नमस्कार नहीं कर सकते। माने आपने अनेक बार मंत्रों का जप किया होगा, वो जप में क्या बताते हैं कि ओम नमः शिवाय, मैं शिवजी को नमस्कार कर रहा हूँ, ये इसका अर्थ नहीं है। अहम शिवम नमामि ऐसा नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिवजी को नमस्कार हो, क्योंकि नमस्कार करने वाला शिवजी में गायब हो गया। लहर ने समुद्र को नमस्कार किया तो लहर गायब हो गई। आभूषण ने सुवर्ण को नमस्कार किया तो आभूषण गायब हो गया। आभूषण क्या था? नाम रूप। तो जहाँ नाम रूप व्यक्तित्व का समर्पण हो गया है, ऐसे परमात्मा को मैं अपने आप से भिन्न हो करके कैसे नमस्कार कर सकता हूँ? तो परमात्मा को नमस्कार करना माने क्या? अपने मैं को मिटाना। ये अवधूत गीता है महाराज, या रोना धोना नहीं है। जिसके द्वारा मैं मिटता है वो अध्यात्म है। जिसके द्वारा मैं को ज्यादा समर्थन मिलता है वो संसार है। देखो, ये नेदम पूरितम सर्वम आत्मनैवात्मनात्मने निराकारम कथम वंदे यभिन्नम ये अभिन्नम शोमम वयम। यह शिव सबसे पवित्र अव्ययम, जिसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी घटाव बढ़ाव नहीं आता, ऐसे परमात्मा को मैं अपने से अन्य रूप में कैसे नमस्कार करूं? देखो, गंगा जी जब जाके मिलती है, गंगा सागर, गंगा जी का स्त्रीलिंग, सागर का है पुल्लिंग, दोनों मिल गए, गंगा भी है सागर भी है, और पानी का कोई लिंग नहीं। इसीलिए ऐसे परमात्मा को नमस्कार करना माने अपने मैं को मिटा देना। कैसे मैं को मिटा देना? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ वहाँ हमारी समाधि है। क्यों? देहाभिमाने गलिते, और देहात्मभाव जीवात्मभाव समाप्त हो गया है। ये दो बातें जो है, देहात्मभाव जीवात्मभाव, यही अन्य की भ्रांति को निर्माण करते हैं। सुषुप्ति में देहात्म भाव नहीं होता, जीवात्म भाव नहीं होता, इसीलिए अन्य की भ्रांति नहीं होती। इसीलिए वहाँ संसार नहीं है, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, वहाँ लाभ नहीं, हानि नहीं, वहाँ स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, वहाँ पुनर्जन्म नहीं, केवल अपना होना मात्र है। तो जो परमात्मा हमसे अभिन्न है उसको नमस्कार कैसे करेंगे? माने अपने मैं को मिटा देना है, यही प्रभु के प्रति वास्तविक नमस्कार है महाराज। पंचभूतात्मकं विश्वं मरीचि जलसन्निभं कस्याप्यहो नमस्कुर्याम अहमेको निरंजनः। तो दूसरे श्लोक में क्या बताया था? परमात्मा जगत का उपादान कारण है, इसलिए सब कुछ परमात्मा है। अब इसी को दूसरे पद्धति से बताते हैं। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निभम, यह पंच महाभौतिक सृष्टि जो है कहाँ से शुरू होती है? अपने देह से। देह भी पंच महाभौतिक है। तो पंच भूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निभम, यह मृग तृष्णा के जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं, इसकी कोई सत्ता नहीं है। रूप रंग की सत्ता दृष्टि के कारण, शब्दों की सत्ता श्रवण शक्ति के कारण, इंद्रियों की सत्ता मन के कारण, मन की सत्ता मैं के कारण, मेरी सत्ता चैतन्य के कारण, इनकी क्या सत्ता है?
तो जो व्यक्ति दृष्टिहीन है उसके लिए रूप रंगात्मक जगत है ही नहीं। जो व्यक्ति श्रवण शक्ति से वंचित है उसके लिए शब्दों का संसार है ही नहीं। तो दुनिया है कहाँ? इंद्रियों में। इंद्रिय कहाँ है? मन में। मन कहाँ है? मैं में। और मैं क्या है? व्यक्ति है? नहीं, मैं परमात्मा की अभिव्यक्ति है। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निवम, ये केवल परिस्थिति विशेष में ही दिखता है। देखो ये मृग तृष्णा या मिराज वाटर्स या आकाश की नीलिमा इत्यादि जिसको मिथ्या प्रत्यय कहते हैं उसको ठीक से समझ लेना। मरीचि जलसन्निवम माने जो अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है, और यदि वह परिस्थिति विशेष यदि सिद्ध नहीं हुई तो वो अनुभव नहीं हो सकता, ऐसे अनुभव को कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। देखो जैसे मृग तृष्णा, गर्मी के दिन हो, दोपहर का समय हो, 12-1 बजे का, उस समय सूर्य की किरणें तपे हुए जमीन पर गिर रही हो और वो गर्मी के कारण वो जो सूर्य की किरणें हैं वो लपलपा रही हो, तो उस समय सूर्य की किरणें ही पानी के रूप के जैसी दिखती है। लेकिन यदि शाम हो गई तो वहाँ यह मृगजल दिखेगा ही नहीं, ये परिस्थिति विशेष आवश्यकता है। अब इसी को समझ लो, जागृत अवस्था की आवश्यकता क्या है? देहात्म भाव। यदि देहात्म भाव नहीं हो रहा तो जागृत अवस्था होती नहीं। देखो तो जिस जागृत अवस्था को सिद्ध करने के लिए देहात्म भाव की आवश्यकता है वह कैसे सत्य हो सकती है? इसीलिए वास्तविक आध्यात्मिक साधना प्रारंभ होती है यहाँ से, देहात्म भाव की निवृत्ति, यही आध्यात्मिक साधना है। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निभम, कस्य प्यहो नमस्कुर्याम, कस्य अपि अहो नमस्कुर्याम। अब मैं किसको नमस्कार करूं? क्या मैं वो मृग तृष्णा लेकर के अपनी प्यास बुझाऊं? देखो कस्य प्यहो नमस्कुर्याम, अहम एको निरंजनः, केवल मैं ही तो हूं, मैं एव सकलं जातं, मैं सर्वं प्रतिष्ठितं, मैं सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। केवल मैं ही हूं एकमात्र, अन्य की प्रतीति भ्रांति है। ये 3-4 भ्रांतियों को जीतना यही अध्यात्म है। पहली भ्रांति अपनी परिच्छिन्नता की, दूसरी भ्रांति जगत के प्रत्यक्षता की, तीसरी भ्रांति ईश्वर के परोक्षता की, और चौथी भ्रांति इन सबको सत्य मानने की। तो कस्याप्यहो नमस्कुर्याम, अहम एको निरंजनः, मैं तो केवल एकमात्र हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। जो सबके अभाव में भी होता है वो अपना स्वरूप है, और इसीलिए निरंजनः, जागृत के पाप पुण्य का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, स्वप्न के लाभ हानि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, सुषुप्ति के अभाव के कारण मेरा अभाव होता नहीं, और समाधि के आनंद से मैं कोई विशेष बनता नहीं। जो निर्विशेष निरंजन सत्ता है वो मैं हूँ, तो मैं किसको नमस्कार करूँ? कस्याप्यहो नमस्कुर्याम, एकोहम निरंजनः, दूसरा कोई है ही नहीं। द्वितीयात्वयि भयं भवति, उपनिषद कहती है, जहाँ अन्य की प्रतीति होगी उसको उसका भय होता है। रात के समय समझो
आप कहीं से आ रहे हैं शाम को मालूम नहीं, और कुछ दिखा व्यक्ति डर लगता है, पता नहीं कौन है, चोर तो नहीं है, आके मारेगा तो नहीं। लेकिन रात के समय आप लेट रहे हो और आपका ही हाथ आपके पेट पर पड़ा मध्य प्रदेश पर, तो डर लगता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ अन्य की प्रतीति नहीं है, अन्य का अनुभव होते हुए भी अन्य की प्रतीति नहीं है। जैसे पेट और हाथ अलग है एक दूसरे से, लेकिन ये दूसरे से अलग होते हुए भी अन्यत्व का भाव नहीं है। यही यहाँ कहते हैं एको हम निरंजना, तो मैं एकमात्र हूँ भले अनेकता में प्रतीत हो रहा हूँ। इसीलिए ना किसी से प्रेम है ना किसी से द्वेष है, सब में एकमात्र है, तो किसको नमस्कार करें, अन्य है ही नहीं। आत्मैव केवलं सर्वं भेदा भेदो न विद्यते, अस्ति नास्ति कथं ब्रूयां विस्मय प्रतिभाति में। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है किस चीज का, आत्मा एव केवलम सर्वम, पैर भी मैं हूँ, हाथ भी मैं हूँ, पेट भी मैं हूँ, गला भी मैं हूँ, सर भी मैं हूँ, बेको भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, समझदारी भी मैं हूँ, ना समझी भी मैं हूँ, स्वास्थ्य भी मैं हूँ, रोग भी मैं हूँ। आत्मा एव केवलम सर्वम, भेद अभेद न विद्यते, माने भेद की प्रतीति होते हुए भी भेदभाव नहीं होता। बहुत महत्व की बात है ये। जब जगत में रहेंगे देहात्म भाव से प्रकट होंगे तो भेद का दर्शन होगा, लेकिन भेदभाव होगा कि नहीं ये हमको समझना है। देखो जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को जब देखती है तो वो भेद का दर्शन है, लेकिन उसे भेदभाव नहीं है। और वही माँ जब दो बच्चों को देखती है, एक अपना बच्चा दूसरे का बच्चा, तो उसमें भेदभाव होगा, अपने बच्चे को अच्छा देगी दूसरे के बच्चे को बचा हुआ देगी। आत्मैव केवलम सर्वम भेदा भेदो न विद्यते, भेद अभेद न विद्यते। फिर अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम, फिर है नहीं है मैं कैसे कहूँ। ध्यान से सुनना, हमको कभी भी अपने अभाव का अनुभव आया क्या? नहीं आया, किसको भी नहीं आ सकता। तो जब हमको अपने अभाव का अनुभव आ ही नहीं सकता तो मैं हूँ कहने की क्या जरूरत है। देखो यदि मेरे मन में मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं पुरुष हूँ तो मैं हर एक को मिलते समय कहूँगा क्या, देख भाई मैं आदमी हूँ, स्त्री नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ। अब किसी ने पूछा क्या आपको? आप ही कहे जा रहे हो कि मैं आदमी हूँ। 10 बार कहेंगे तो लोगों को डाउट लगेगा ये क्यों कहता है। अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम, तो मैं हूँ मैं नहीं हूँ कैसे कहूँ मैं। फिर क्या करें, मौनम व्याख्या, चुप रहो। अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम विस्मयः प्रतिभाति मे। अब हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग पूछते क्या क्या बताया उनको, विस्मयः प्रतिभाति मे, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है क्या बताया, क्या है परमात्मा, भगवान के बारे में बताओ। अरे भैया आत्मैव केवलम सर्वम, केवल एकमेव अद्वितीय परमात्मा मात्र है। देखो महाराज, विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, एक विचार हमेशा परिच्छिन्नता में प्रकट होते हैं, दो देखो विचारों की जो गुणवत्ता है क्वालिटी है वो विचार करने वाले पर अवलंबित है, कितनी परेशानी है। और जब एकमेव अद्वितीय है तो ना कोई विचार है ना आचार है ना प्रकार है ना कोई है। अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम इसमें प्रतिभाति में। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानमेव च, अहम आत्मा निराकार
सर्वव्यापी स्वभावतः। वेदांत सार सर्वस्व ज्ञानम विज्ञानमेव च। संपूर्ण वेदांत का जो सार है, देखो, इज ज्ञानम एकमेवाद्वितीय नेह नाना से किंचन, ये ज्ञानम है, विज्ञानम और वो मैं हूं, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव नॉलेज। देखो फर्क क्या है, वेदांत के या शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करने का, जब हम वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को देखते हैं, लेकिन जब हम दर्पण को देखते हैं तो दर्पण को नहीं देखते, हम दर्पण में देखते हैं। उसी प्रकार से हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों में हम अपने को देखते हैं। जब कहा कि परमात्मा सच्चिदानंद है, अरे मेरी बात हो रही क्या? जैसे किसी का कुछ नाम हो और कोई बात करते समय उसके नाम का उच्चारण हो, उसको लगेगा मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे। इसी प्रकार से जब परमात्मा की बात हो रही है तो जब ये समझ में आ जाए अरे अपनी बात हो रही है, इसीलिए कहते हैं वेदांत सार सर्वस्व ज्ञानम और विज्ञान में वचन, ज्ञान और उसका अनुभव, यही वेदांत का सार है। ज्ञान क्या है? एकमेवाद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। विज्ञान क्या है? अरे ये अपनी बात हो रही है। वेदांत सार सर्वस्व ज्ञानम विज्ञानमेव च। फिर मैं कौन हूँ? अहा आत्मा निराकार, मेरा कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। तत्व हमेशा निराकार होता है। जहां आकार निर्माण हो गया वहां संसार शुरू हो गया। बड़ा सिद्धांत है ये। सूर्य का अपना कोई आकार नहीं, आभूषणों में सूर्य को आकार दे दिया गया है, संसार शुरू हो गया। पानी का कोई अपना आकार नहीं, उसके बर्फ बनाया उसका आकार आ गया, संसार शुरू, ठंडा है गर्म है। इसीलिए अहम आत्मा निराकार रहा, तो जागृत अवस्था के जागृत पुरुष को, स्वप्नावस्था के स्वप्न पुरुष को, सुषुप्ति के प्राज्ञ को और समाधि के समाधि पुरुष को, सबको आधार देते हुए भी अपन को इन चारों से कुछ लेना नहीं। यह अहम आत्मा निराकार, आकार हमेशा औपाधिक होता है। उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है वो सत्य नहीं होती, ये सिद्धांतों को पकड़ लेना। उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है वो वास्तविक नहीं होती। उदाहरण दो, अपना रोज का उदाहरण, पुत्र, पति, पिता, ये तीन जो है एक ही आदमी पर तीन उपाधियां चढ़ा दी तो तीन हो गए, लेकिन वास्तविक वो तीन है क्या? अहम आत्मा निराकार, मैं आदमी हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, लेकिन जब पिताजी के सामने आ गया तो मेरा आकार बन गया, मैं पुत्र हूं। पत्नी के सामने आ गया तो मैं पति हूं, आकार बन गया। पुत्र के सामने आया तो मैं पिता हूँ, फिर आकार बन गया। तो ये पुत्र, पति, पिता, ये जो आकार है, ये मैं पुरुष निराकार, इस पर औपाधिक अभिव्यक्तियाँ है, औपाधिक चढ़ाया गया है, वास्तविक नहीं है। इन चीज़ों क्लियरली समझ लो, और कोई नहीं आध्यात्मिक साधना, नहीं तो हमेशा इसी में फंसे रहोगे। लड़का लड़की, पोता पोती, खोता खोती, बहू, अरे राम राम राम, कब निकल जाओ उसमें से यार। दूसरा कुछ है कि नहीं दुनिया में? ध्यान से सुनना, हम अवधूत गीता पढ़ रहे हैं, रोने धोने वाला नहीं है। रोना धोना है तो भगवत गीता पढ़ो।
नहीं तो भागवत पढ़ो और ज़्यादा रो लो, रो रो करके। रोने का चक्कर नहीं है यहाँ। वेदांत सार सर्वस्वम ध्यान विज्ञानमेव च अहम आत्मा निराकार, मैं पर ही सब कुछ अवलंबित है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं हूँ तो मेरी पत्नी, मैं हूँ तो मेरे बच्चे, मैं हूँ तो मेरे माँ बाप, मैं हूँ तो मेरा धर्म, मैं हूँ तो मेरा देश, मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं। जिस मैं पर ये सब अवलंबित है, उसी मैं को हमने कभी पहचाना ही नहीं, कौन है ये मैं। तो वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानमेव च अहम आत्मा निराकार और सर्वव्यापी। देखो जागृत के तीनों भाग, जागृत पुरुष, जागृत अनुभूति और जागृत जगत, सर्वव्यापी, इन सब को व्याप्त करके ही मैं रहता हूं। फिर इसका त्याग कर दिया, फिर स्वप्न का जगत, स्वप्न पुरुष और स्वप्न के अनुभव, सर्वव्यापी, इसको भी मैं व्याप्त करता हूँ। वैसे ही सुषुप्ति समाधि, माने सभी त्रिपुटियों का आधार होते हुए भी मेरा कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। आप सुवर्ण से राम बनाओ या रावण बनाओ, रावण बनाने से सुवर्ण पवित्र नहीं होता, राम बनाने से पवित्र नहीं होता। देखो आप एक बर्तन में चाहे दूध डालो चाहे या मदिरा डालो, बर्तन को कुछ नहीं होता, वहाँ का जो आकाश है वो ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से सर्वव्यापी स्वभावतः मैं सबका आधार हूँ, लेकिन किसी का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। और ये हमको करना कुछ नहीं, केवल पहचानना है। जैसे किसी भी रूप रंग का दृष्टि पर प्रभाव नहीं होता, रूप रंग हटा दो तो दृष्टि का कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा रूप रंग डालो तो दृष्टि पर कोई उसका भार नहीं है। चाहे भगवान का नाम सुनो कानों से, चाहे सिनेमा के गाने सुनो, उसका प्रभाव कानों पर, श्रवण शक्ति पर बिल्कुल नहीं है। वैसे ही घ्राण शक्ति, चाहे सुगंध हो दुर्गंध हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही रस, खट्टा हो या मीठा हो, रसना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो केवल रस बताती है, ये रस है, विशेषता नहीं है। इसीलिए जो निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी है वही अपना स्वरूप है, अहम आत्मा निराकार सर्वव्यापी। तो रूप रंग के लिए आत्मा क्या हो गया, दृष्टि, शब्दों के लिए आत्मा क्या हो गया, श्रवण शक्ति। तो रूप रंग का आत्मा क्या है, रूप तन्मात्र, और सभी खट्टा मीठा इसका आत्मा क्या है, तो रस तन्मात्र, तन्मात्र माने केवल वही, बाकी कुछ नहीं, विशेषता नहीं, तन्मात्र माने विशेषता रहित। देखो इसीलिए अहम आत्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभावतः, बहुत बड़ी साधना यही है महाराज, सब विशेषताओं का त्याग कर दे, बहुत हो गई विशेषता विशेषता, उसका कोई अर्थ नहीं, ज्यादा फंसो मत उसके, यही अहम आत्मा निराकार। फिर कोई कल्पना मत करो, मुझे लाइट दिख रहा, मुझे तंबोरा सुनने को आया, मुझे घंटी सुनने को आई, ये चक्कर में मत पड़ना, ये सब होगा, जैसे आप कल्पना करो वैसे होते रहेगा। आपके दिमाग में ये भर गया हो कि ध्यान के लिए बैठो तो आंखों के सामने दिव्य प्रकाश आता है, बस मन उसी कल्पना में लग जाएगा और वो कल्पना के कारण आपके आंखों के सामने दिव्य प्रकाश आएगा, आहा मुझे भगवान का दर्शन हो गया। फिर उसके बाद आप उसी को देखने के चक्कर में रहोगे, वो फिर से कभी नहीं आएगा और फिर आप दुखी हो जाओगे। देखो संतो इसको एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट समझ लेना, हमारे यूपी की भाषा है अस्पष्ट अस्पष्ट,
अहम आत्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभावतः। बाकी की बातें कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।